हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सी स्टार का लोकोमोशन। किस टाइप का ये लोकोमोशन होता है, चलिए देखते हैं। ये जो फाइलम इकाइनडर्म्स के एनिमल होते हैं उनमें हेड प्रेजेंट नहीं होता, तो ये एनिमल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स डिजायर। एंड इट कैन मूव ऑन दी हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल सर्फेस विद द हेल्प ऑफ 2 फीट। ये 2 फीट के हेल्प से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्फेस पे मूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे मूव करते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसे 2 फीट कहते हैं, और वो प्रेजेंट होता है ऑन दी ओरल सरफेस। और ये 2 फीट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, बॉडी की मूवमेंट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इस मूवमेंट के लिए वो यूज़ करते हैं अपनी वाटर वास्कुलर सिस्टम को। ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है ये यूनिक सिस्टम है जो फाइलम इकांडा में प्रेजेंट है। इससे क्या होगा, एनिमल को लोकोमोशन में हेल्प होगा। तो ये सिस्टम कैसे वर्क करती है, वाटर वास्कुलर सिस्टम में वाटर एंटर हो जाता है इन द बॉडी ऑफ द एनिमल, एंड एनिमल की बॉडी में वाटर एंटर हो जाने के बाद वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। तो कैसे सर्कुलेट होता है, जब सी वाटर उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है तो स्टोन कैनाल में पहुंच जाता है मैटेपोराइट से, और स्टोन कैनाल ओपन होता है रिंग कैनाल में, रिंग कैनाल से रेडल कैनाल अराइज होते हैं, रेडल कैनाल जो 5 आर्म में होते हैं, और रेडल कैनाल से लेटरल कैनाल अराइज होते हैं और वो ओपन हो जाते हैं 2 फीट में, जो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, कुछ इस टाइप का होता है। तो ये जो 2 फीट होते हैं वो यह ये जो इनर पार्ट होता है 2 फीट का इसे एम्पुला कहते हैं, और ये जो आउटर साइड होती है इसे पोडिया कहते हैं। तो पोडिया की साइड पे सक्कस होते हैं जो अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। जब वाटर यहाँ से अंदर आ जाएगा लेटरल कैनाल से और एम्पुला में आ जाएगा तो एम्पुला के मसल स्क्वीज हो जाएंगे, और एम्पुला स्क्वीज हो जाएगा और वाटर फोर्सफुली एम्पुला से आ जाएगा इसके पोडियम में। जब वाटर पोडियम में आ जाएगा तो पोडियम का स्ट्रक्चर और साइज बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और वहाँ पे ही सकर्स होते हैं जो अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि ये एनिमल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कैसे मूव करता है। तो सपोज इसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो पहले ये क्या करेगा, वो अपनी आर्म की मूवमेंट करेगा। जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन तक वो क्या करेगा, अपनी आर्म को पॉइंटिंग कर देगा। और यहाँ पे होते बहुत सारे 2 फीट, और यहाँ से आ गया है रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल अराइज होते हैं, और लेटरल कैनाल से आ गया है यहाँ पे वाटर जो 2 फीट में एंटर हो गया था। देन क्या होगा, ये जो 2 फीट है, सपोज हम यहाँ पे सिंगल 2 फीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेटरल कैनल से वाटर अंदर आ गया है हमारे एनिमल के 2 फीट में। देन ये क्या हो जाएगा, ये जो एम्फ्यूला है जो राइज्ड आर्म है उसका, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उसने पहले राइज आर्म को राइज कर दिया था, और उस राइज्ड आर्म के जो एम्फ्यूला होते हैं जो 2 फीट होते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एम्फ्यूला, तो वाटर आ जाएगा यहाँ पे पोडियम में। ओके, जब ये पोडिया में आ जाएगा वाटर तब क्या होगा, इस पोडिया का साइज चेंज हो जाएगा, इट बिकम एक्सटेंडेड इलोंगेटेड एंड एनलार्ज इन दैट डायरेक्शन ड्यू टू द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। बिकॉज ये जो एम्पुला था इससे ये स्क्यूज हो गया था, तो ये जो पोडिया है वो क्या कर देगा, इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसे मूव करना है उसे उस डिरेक्शन में वो इलोंगेट हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा और एक्सटेंड हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये जो वाटर का प्रेशर वहाँ पे होता है, यहाँ पे हम सिंगल 2 फीट से बात करेंगे और इस कंसेप्ट को समझ लेंगे। यहाँ पे मैंने डायग्राम निकाले सिंगल 2 फीट की, ये वाटर यहाँ से एंटर हो जाएगा और आ जाएगा एम्पुला में, और एम्पुला स्क्यूज हो जाने से बाद क्या होगा, एम्पुला स्क्यूज हो जाने के बाद ये वाटर एंटर हो जाएगा पोडियम में। ये आप देख सकते हैं इस एनिमल को इस सबस्टेटम तक जाना है, ये पहले यहाँ था। ओके, तो ये क्या करेगा, ये एम्पुला स्क्यूज हो जाने के बाद इसका पोडियम है इसमें वाटर फोर्सफुली
आ जाएगा तो ये पोडिया पोडियम एनलार्ज हो जाएगा, और ये एनलार्ज हो जाने के बाद ये सबस्ट्रेटम तक आ जाएगा, और उसके जो 2 फीट के जो सकर्स होते हैं, ये पोडियम पे क्या होते हैं, सकर्स होते हैं बहुत सारे, जो सबस्ट्रेटम को अटैच करने में हेल्प करते हैं। ये कुछ इस तरह सबस्ट्रेटम पे आ जाएंगे, और यहाँ पे कुछ इस तरह वैक्यूम क्रिएट कर देगी, सक्शन कप लाइक यहाँ पे अरेंज हो जाएगी और सबस्ट्रेटम को अटैच हो जाएंगे। जब इस तरह सबस्ट्रेटम को अटैच हो जाते हैं इसके सकर्स, तो यहाँ पे सक्शन कप क्रिएट हो जाता है, और इससे यहाँ पे वैक्यूम प्रोड्यूस होता है। जब यहाँ पे वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाए तो यहाँ पे ग्रिप जो बनी है वो अच्छी ग्रिप बन जाएगी, और इसी तरह यहाँ पे जब ग्रिप बन जाते हैं तब ये 2 फीट होती है, इसके जो टिप पे म्यूकस ग्लैंड होती है वो भी क्या कर देती है, म्यूकस प्रोड्यूस कर देते हैं, बिकॉज इससे और भी ज़्यादा जिसकी ग्रिप है वो अच्छी बन जाए। जब इसकी ग्रिप अच्छी बन जाती है तब ये एनिमल क्या कर देता है, अपनी बॉडी को पुश कर देता है फॉरवर्ड डिरेक्शन में। पहले एनिमल यहाँ था और अब इसने क्या कर दिया है, अपने 2 फीट को इस डिरेक्शन में मूव कर दिया है, और फिर से इसने अपने बॉडी को पुल कर दिया है फॉरवर्ड डिरेक्शन में, तो एनिमल आ गया है यहाँ पे। इस तरह ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करता है। तो मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करने के लिए पहले वो सकर्स को सबस्ट्रेटम से अटैच कर देता है, देन सेंट्रल पार्ट को ऐसे विड्रॉ कर देता है, जिस वजह से यहाँ पे सक्शन कप प्रोड्यूस हो जाता है और वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और इससे अच्छी ग्रिप बनती है सबस्ट्रेटम से। और बाद में वो क्या कर देते हैं, टिप से बहुत सारा म्यूकस सिक्रीट कर देते हैं, एंड इट प्रोवाइड्स फर्दर अटैचमेंट। तो इस तरह ये एनिमल क्या कर देते हैं, सबस्ट्रेटम को अटैच हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 फीट। देन अपनी बॉडी को वो फॉरवर्ड डिरेक्शन में पुश कर देते हैं, और जब वो आ जाते हैं, सपोज यहाँ से वो यहाँ तक आ गए हैं, तो ये क्या करेंगे, ये जो इसका 2 फीट था उसमें जो पोडिया था, पोडियम था ये, तो ये एक्सटेंड हो गया था। जब ये यहाँ पे आ जाएंगे तब क्या करेंगे, यहाँ से इसको सकर्स को हटाना है और उसको फिर से वापस लेना है, ग्रिप को लूज करना है। तो ये क्या कर देंगे, एनिमल इसके जो लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स होते हैं इसके पोडिया में और सकर्स में यहाँ पे, तो ये क्या कर देंगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो वाटर था जो यहाँ पे आ गया था वो फिर से एम्पुला में एंटर हो जाएगी, वाटर यहाँ पे आ जाएगा, और वाटर यहाँ पे आ जाने से ये सकर्स होते वो सबस्ट्रेटम से रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पर आता है तब अपने सकर्स को रिलीज कर देता है वाटर को फिर से एम्पुला में भेज के, और ये सीक्वेंस रिपीटेडली करता है, और इस तरह वो एक जगह से दूसरी जगह पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके वर्टिकल सरफेस पे पर मूवमेंट की, तो ये जो एनिमल है वो क्लाइंबिंग करता है विद द हेल्प ऑफ 2 फीट, यानी अपनी बॉडी को पुल करता है इन द फॉरवर्ड डिरेक्शन, फॉरवर्ड डिरेक्शन में अपनी बॉडी को पुल करता है, एंड ये क्या करता है, अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है 2 फीट में, और ये क्लाइंबिंग करता मूव कर लेता है ऑन द वर्टिकल सरफेस पे। जब ये हार्ड सबस्ट्रेटम पे होता है तभी अपने 2 फीट के सकर्स के हेल्प से क्या कर सकता है, सबस्ट्रेटम को सबस्ट्रेटम पे अच्छी ग्रिप बनाकर मूव कर लेता है। बट ये अगर सॉफ्ट और सैंडी सैंडी ऐसी सबस्ट्रेटम पर मूव कर रहा हो तो उसके जो सकर्स होते हैं वो बिल्कुल यूजलेस हो जाते हैं, उसका कोई भी काम नहीं होता वहाँ पर, बिकॉज वो हार्ड सबस्ट्रेटम हो तो वहाँ पे वो वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं सक्शन कप बना के, लेकिन सॉफ्ट सबस्ट्रेटम पे वो ऐसा नहीं कर सकते, तो वहां पर उसके सकर्स का कोई यूज नहीं होता। तो क्या कर लेते हैं, वो अपने 2 फीट को कुछ इस तरह एक्सटेंड करते हैं कि वो लेग लाइक एक्ट हो, और जब वो लेग लाइक एक्ट होते हैं तो सॉफ्ट सबस्ट्रेटम पे वॉक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सटेंडेड 2 फीट। तो फ्रेंड्स ये था सी स्टार का लोकोमोशन,
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलना।